सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, इस तरह का वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है इंस्टाग्राम में और बहुत ही जल्दी वायरल हो रहा है। तो अगर आपको भी इस तरह का वीडियो बनाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल दीजिएगा। सो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। कुछ देखिए यहाँ पे, तो VN एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे अपना फ़ोटो का चॉइस करना, जो वाला आपको अच्छा लगेगा फ़ोटो, ठीक है। तो इसको हम चॉइस कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपना VN एप्लीकेशन में। ये वाला ब्लू वाला आइकॉन है, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ मतलब ऐड हो जाएगा आपका फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ऊपर देखो, लास्ट में स्लाइड कीजिएगा, यहाँ पे लोगो है VN एप्लीकेशन को, उसको आप डिलीट करना है। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन है, देखिए ऊपर में सबसे ऊपर म्यूजिक वाला ऑप्शन है, टॉप टू ऐड म्यूजिक, ठीक है। उसमें आपको क्लिक करना है, म्यूजिक को आप जो वाला अच्छा लगेगा म्यूजिक वो आपको ऐड कर सकते हैं। तो हम मस्त मगन मन मस्त मगन ये वाला म्यूजिक हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडिट, देखिए हम सॉन्ग ऐड कर चुके हैं। उसके बाद आप सॉन्ग में क्लिक करना है, उसके बाद बीट वाला ऑप्शन में जाना है। जैसे जाते हैं कुछ इस तरह से आप अपना सॉन्ग को प्ले करके आप अपना बीट लगा सकते हैं। जहाँ कि यहाँ पे एक बीट है मेरे पास, मतलब बीट मतलब साउंड जो रहता है ना, इफेक्ट चेंज होता है फ़ोटो, तो वो वाला आपको डालना कहाँ कहाँ है, आप अपना मतलब सॉन्ग को सुनकर आप अपन मतलब जहाँ जहाँ इफेक्ट लगाना है फ़ोटो को वहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, बीट वाला ऑप्शन में जाना है। तो आप अपना इजीली मतलब बना सकते हैं बीट, मतलब इफेक्ट कहाँ कहाँ लगाना है फ़ोटो में वो आप इजीली बना सकते हैं। तो हम ये वाला कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एरो आ रहा है, यहाँ पे सॉन्ग के मतलब बीच में एरो आ रहा है, तो उसी से हेल्प आपको मिल जाएगा आपका फ़ोटो में कहाँ कहाँ इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 4-5 मतलब बीट हो चुका है, तो 3 फ़ोटो लिए तो 2 और ऐड करें तो 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे, मतलब थोड़ा छोटा हो रहा है फ़ोटो, तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पे देखिए सॉन्ग ऊपर में ब्लू वाला सॉन्ग है, वो वाला नीचे फ़ोटो है, तो सॉन्ग में देखिए एरो है, तो वहाँ से हमको बीट जो पहले बनाए थे वहाँ से मुझे हेल्प मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना है, एक सेंटर में रखना है, एक जगह रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला फ़ोटो बड़ा है तो इसको हम छोटा करके, इस तरह आप अपना मतलब जितना है आप बीट अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार प्ले करके हम दिखाते हैं कि कैसा हुआ मेरा वीडियो, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पे प्ले जैसे करेंगे यहाँ पे एक बीट आएगा, उसको अचानक से झट से एक फ़ोटो आ जाएगा, नेक्स्ट फ़ोटो फिर से आ जाएगा, नेक्स्ट फ़ोटो फिर से आ जाएगा और फ़ोटो, ठीक है। इस तरह आप बना सकते हैं। आप अपना म्यूजिक को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में म्यूजिक आप मतलब साउंड हम प्ले नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा इसलिए। तो हम इस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो में क्लिक करते हैं, नीचे में इफेक्ट्स है, उसमें आप क्लिक करते हैं बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएगा। अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो नेट इंटरनेट आप ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे डाउनलोड करते हैं कुछ इस तरह से आपको होगा, जो आपको अच्छा लगेगा मतलब इफेक्ट, तो वो अपने गाना का बीट के हिसाब से आप अपना इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं बहुत सारा। तो हम लगा कर एक बार प्ले करके आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मेरा बीट एकदम लग चुका है, इफेक्ट भी लग चुका है। उसके बाद देखिए बीट के अनुसार मेरा फ़ोटो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरह आप अपना वीडियो बना सकते हैं। और आप तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में देखिए सेव के जस्ट बगल में एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, उसमें आप सेलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप अपने वीडियो को किस हिसाब से सेव करना चाहते हैं, 420p 180p 2K या 4K में आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा 4K तक, ठीक है। कर लेते हैं सेव और यहाँ पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो।